सी इन एंड सी आउट का हम सी प्लस प्लस में कैसे यूज करते हैं। सी इन जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए काम में आता है, और सी आउट मॉनिटर पर आउटपुट डिस्प्ले कराने के काम में आता है। नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में सी इन और सी आउट के बारे में हम आसान शब्दों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में समझेंगे। सी इन इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा रखा है। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप बना सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में भी बना सकते हैं। तो सी इन इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है और इसका उपयोग इनपुट स्ट्रीम से फाइल, कंसोल आदि जैसे इनपुट लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सी इन को हम इनपुट के लिए काम में लेते हैं। अब वो इनपुट है, हम किसी फाइल से भी ले सकते हैं या फिर कंसोल से भी ले सकते हैं। तो कोई फाइल ऑलरेडी सेव है कंप्यूटर में उससे भी ले सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। जैसे सी इन इनपुट के लिए आ रहा है, वैसे सी आउट है वो आउटपुट के लिए काम में आ रहा है। तो सी आउट को हम आउटपुट दिखाने के लिए काम में लेते हैं, मॉनिटर पर आउटपुट दिखाते हैं। तो बेसिकली सी इन क्या हो गया, एक इनपुट स्टेटमेंट हो गया और सी आउट एक आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ बार बार में स्ट्रीम का नाम आ रहा है। तो स्ट्रीम का हिंदी के अंदर मतलब होता है धारा। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रीम का मतलब क्या है, जब हमारे पास कैरेक्टर होता है जैसे ए, कैपिटल ए, तो वो एक कैरेक्टर है। लेकिन कोई नाम ले लिया हमने जैसे नेटवर्क, तो नेटवर्क क्या हो गया, कैरेक्टर्स का एक स्ट्रीम हो गया, एक धारा हो गई ना, तो इसलिए इनको स्ट्रीम बोलते हैं। तो सी इन के साथ हम जो ऑपरेटर लगाते हैं ग्रेटर देन इसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और सी आउट के साथ में लगाते हैं लेस देन इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का मतलब उसको बाहर निकालना किसी चीज़ को, तो हिंदी में इसको निष्कर्षण बोलते हैं। और इंसर्शन का मतलब सम्मिलित करना, इंसर्ट करना। तो वैसे तो हमें इंग्लिश के टर्म्स से हमें याद रखना है क्योंकि प्रोग्रामिंग हमें इंग्लिश में करनी है, लेकिन हिंदी में समझने के लिए, अगर किसी को हिंदी मीडियम से समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्सट्रैक्शन क्या होता है इंसर्शन, तो हिंदी के अंदर एक्सट्रैक्शन हो गया निष्कर्षण और इंसर्शन हो गया सम्मिलन। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें सी इन से एक वेरिएबल, अब जो हिंदी में चर बोलते हैं, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एक्स, माना कि एक्स बराबर 20, तो एक्स क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, एक चर हो गया, हम मान रहे हैं ना, उसमें कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, तो वेरिएबल होता है। एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं या चर बोलते हैं। तो कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू है वो इनपुट लेते हैं सी इन की हेल्प से, और फिर इसको स्क्रीन पर सी आउट की हेल्प से प्रिंट करवाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम कुछ इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी प्लस प्लस में, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो ये आईओ स्ट्रीम क्या है, फाइल है,
जिसके अंदर हमारी सी इन और सी आउट की डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे सी लैंग्वेज में हम करते हैं ना STDIO, तो आई ओ का मतलब, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, स्ट्रीम का मतलब मैंने बता ही दिया। तो सी लैंग्वेज में हम STDIO लेते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और यहाँ पर आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। फिर ये हमारा मेन फंक्शन है और ये इंट है, इसका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप होता है ना किसी भी फंक्शन का, तो ये हमने इंट लिया है। अब वॉइड भी ले सकते हो अगर कुछ नहीं रिटर्न करवाना है तो। फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जो किस टाइप का है, इंट टाइप का, उसका नाम क्या है, माई एज। फिर सी इन से हम इनपुट लेंगे, तो सी इन, और ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और माई एज अपना वेरिएबल हो गया। फिर सी आउट और माई एज को डिस्प्ले करा दिया, ये रिटर्न जीरो, क्योंकि यहाँ पर इंट हमने रिटर्न टाइप लिया इसलिए रिटर्न जीरो लिखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हम इंट नहीं लेते और वॉइड लिखते, वॉइड का मतलब है कुछ भी नहीं, तो हमें यहाँ पर ये रिटर्न जीरो कराने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम सेव करेंगे। मान लीजिए नाम दे दिया gpc_dpr.cpp, cpp यहाँ C++ के प्रोग्राम के लिए एक्सटेंशन है, जैसे हम सी में डॉट सी लिखते थे। फिर हम इस को हम कंपाइल करेंगे और रन कराएंगे। यहाँ पर देखिए कंपाइल करते हैं, पहले किसी भी प्रोग्राम को, तो कंपाइल करने का मतलब होता है, हिंदी में संकलित करना बोलते हैं, तो कंपाइल करने का मतलब होता है कि उसमें कुछ एरर्स वगैरह है, तो उसका कंपाइल टाइम पर हमें पता लग जाता है। जब तक उसमें एरर्स आएगी हम रन नहीं करा सकते, तो हमें उन एरर्स को सही करना पड़ेगा। जब एरर्स जीरो हो जाएंगी तो हम उसको रन करवा सकते हैं, जैसे रन करवाएंगे प्रोग्राम आउटपुट देगा। अगर आपने सी इन में वैल्यू 25 दी है तो ये 25 आउटपुट देगा, क्योंकि जो वैल्यू इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट करा रहे, तो जो भी आप इनपुट दोगे वो आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 25 दिया तो 25 आ गया, आपकी जो भी एज है वो आप इनपुट देंगे वो आउटपुट आ जाएगा। सी इन ऑब्जेक्ट C++ में आई स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर एक क्लास होती है आई स्ट्रीम, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है सी इन, तो ये हमें याद रखना है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये दोनों क्या थे, फंक्शन थे। प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या थे, फंक्शन थे, ये वैल्यू भी रिटर्न करते थे, लेकिन सी इन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, आई स्ट्रीम का। और ये क्या काम में आता है, ये काम में आता है कीबोर्ड से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए, कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ, पहले से कोई फाइल है सेव की हुई उससे भी कर सकता है। अब ये सी के अंदर जो इनपुट स्ट्रीम होती है STDIN, उसके साथ एसोसिएट होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आई ओ स्ट्रीम इंक्लूड कर रहे हैं फाइल, सी लैंग्वेज में STDIO करते थे, तो जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम होती है सी लैंग्वेज की, उसके साथ सी इन एसोसिएट होता है। और सी प्लस प्लस के अंदर ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है उसके अंदर डिफाइन होता है, इसलिए आपको रीजन समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को तो इंक्लूड करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बना रहे तो सबसे पहले हम सी इन और सी आउट ही लेते हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम में ना तो इनपुट ले रहे हैं ना आउटपुट दे रहे, तो फिर प्रोग्राम का क्या मतलब है। तो इन दोनों में से कम एक तो अपने को काम में लेना ही पड़ता है, इसलिए हमें आईओ स्ट्रीम तो फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो सी इन है वो काम में लेते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ में, और ये रिसीव करता है कैरेक्टर्स की एक
स्ट्रीम को। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, सी इन ग्रेटर देन और वेरिएबल का नेम सेमी कोलन। सी इन आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रेटर देन ये यहाँ पर हो गया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है, ग्रेटर देन सिंबल था वो, और फिर वेरिएबल नेम और सेमी कोलन है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। अब यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है हम वो मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अपने को एक से ज़्यादा चीज़ें इनपुट लेनी है, तो एक तो ये तरीका है कि जितनी चीज़ें इनपुट लेनी है उतनी बार सी इन लिखा जाए, लेकिन एक स्मार्ट तरीका ये है कि सी इन एक बार ही लिखेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसकी कैस्केडिंग कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सी इन ग्रेटर देन वेरिएबल वन, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल टू, जितने भी अपने को वेरिएबल्स लेने हैं उतनी बार हम कैस्केडिंग का मतलब होता है एक के बाद में एक। तो यहाँ पर हमें सी इन को एक बार ही लिखने की ज़रूरत है, उसके बाद में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को बार बार लिखते जाएंगे जितने भी वेरिएबल्स को हमें इनपुट करवाना है। अब सी इन को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ समझते हैं एक प्रोग्राम से। हैस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आईएनटी मेन। यहाँ पर तीन वेरिएबल लिए हमने, आईएनटी एक्स वाई जेड। सिंगल इनपुट के लिए हमने पहले सी आउट करेगा, स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएगा प्रोग्रामर को, एंटर ए नंबर। तो प्रोग्रामर एक एंटर नंबर करेगा एक्स, एक वेरिएबल हमने लिया है ऊपर एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल लिया, तो एक्स की वैल्यू सी इन ले लेगा और एक्स में असाइन कर देगा। फिर मल्टीपल इनपुट्स, तो दो नंबर वाई और जेड को एक साथ, तो यहाँ पर कैस्केडिंग कर दी वाई और जेड को एक साथ। फिर हमने सी आउट के अंदर तीनों नंबर को जोड़ के सम प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पर भी वापस इंसर्शन ऑपरेटर उसकी कैस्केडिंग हो रही है। देखिए सम ये स्ट्रिंग हो गई सम इक्वल टू, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू जोड़ के, और ये रिटर्न जीरो। जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करेगा एंटर ए नंबर, तो नंबर एंटर किया टू दो, फिर दूसरा मैसेज आया एंटर टू नंबर्स, तो 10 और 55, फिर इसका सम होके 67 डिस्प्ले हो गया। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस में सी आउट। सी आउट ऑब्जेक्ट है वो सी प्लस प्लस में ओ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और ये काम में आता है कॉन्सोल पर मॉनिटर के ऊपर आउटपुट को दिखाने के लिए। और सी लैंग्वेज में देखें तो ये एस टी डी आउट के साथ जुड़ा हुआ है। सी आउट को आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है उसके अंदर डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। सी आउट में सी है उसका मतलब है कैरेक्टर, ठीक है, हिंदी में आप समझो तो कैरेक्टर किसको बोलते हैं, वर्ण या अक्षर को, और आउट का मतलब है आउटपुट, तो इसका मतलब हो गया कैरेक्टर आउटपुट। सी आउट है उसको हम इंसर्शन ऑपरेटर लेस देन के साथ में काम में लेते हैं, और ये अक्षरों या कैरेक्टर्स की एक धारा या स्ट्रीम को प्रदर्शित करने के लिए सम्मिलन इंसर्शन ऑपरेटर के साथ सी आउट ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। इसका सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है, सी आउट लेस देन वेरिएबल नेम सेमी कोलन, या फिर कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है तो वो डबल कोट्स में आएगी, वेरिएबल को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसका उपयोग होता है कोई वेरिएबल या स्ट्रिंग है या कोई मैनिपुलेटर है उसके कॉम्बिनेशन के साथ एक से अधिक बार भी प्रिंट करवाया जा सकता है। जैसे एंड एल होता है मैनिपुलेटर, मैनिपुलेट करने का मतलब किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, मतलब जोड़ तोड़ करना, मैंने हिंदी में भी साथ में लिख दिया आपके समझ में आ जाएगा। तो ये कैस्केडिंग हो गई जैसे सी इन में किया था, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हम एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सी आउट एक बार ही लिखना पड़ेगा और ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसकी कैस्केडिंग कर देंगे। एक प्रोग्राम से हम इसको समझते हैं, हैस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो लाइनें तो आपको लिखनी ही है।
INT मेन, मेन फंक्शन हमको लिखना ही होता है हर एक प्रोग्राम में। INT है वो इसका रिटर्न टाइप है। यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल स्मॉल ए और बी हमने बनाए हैं, और एक कैरेक्टर एरे बनाया है जिसका नाम है STR, और इसके अंदर हमने हेलो स्टूडेंट्स एक स्ट्रिंग है वो डाल दिए। सिंगल इंसर्शन ऑपरेटर काम में लेंगे तो पहले प्रोग्रामर को एक, या स्टूडेंट जो प्रोग्राम बना रहा है उसको एक मॉनिटर पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर टू नंबर्स। तो स्टूडेंट है या प्रोग्रामर है वो दो नंबर एंटर करेगा ए और बी, तो सी इन है वो एक बार में दोनों को इनपुट में ले लेगा और ए और बी के अंदर उनको असाइन कर देगा मेमोरी में किसी लोकेशन पर। फिर सी आउट करेगा एस टी आर हमने किया था हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हेलो स्टूडेंट्स मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर सी आउट में एंड एल, ये मैनिपुलेटर होता है। एंड एल का मतलब क्या होता है, इससे आगे वाला जो मैसेज या स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा वो न्यू लाइन के, नई लाइन के अंदर होगा, ये लाइन वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अगर एंड एल हम काम नहीं लेंगे तो वो नई लाइन में नहीं जाएगा, एक ही लाइन में चलता जाएगा जब तक उस लाइन की कैपेसिटी है डिस्प्ले कराने की। मल्टीपल इंसर्शन इस तरह से करेंगे, सी आउट वैल्यू ऑफ एज, ये स्ट्रिंग हो गई, फिर ए वेरिएबल है तो ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर एंड एल, जैसे मैंने बताया वैल्यू ऑफ ए और फिर ए की वैल्यू, और फिर एंड एल ना नीचे वाली लाइन में चले जाएगा फिर वैल्यू ऑफ बी और फिर बी की वैल्यू। अगर यहाँ पर एंड एल हम नहीं लगाएंगे बीच में, ये एंड एल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा न्यू लाइन में नहीं जाएगा। देखिए हम आउटपुट दिखाते हैं अभी आपको, इसमें आउटपुट कुछ इस तरह से रहेगा एंटर टू नंबर्स, तो एक साथ दो नंबर 30 और 55 ले लिए। फिर हेलो स्टूडेंट्स हमने मैसेज दिखाया था, फिर हमने एक की सी आउट में डाला था वैल्यू ऑफ ए इज 30 वैल्यू ऑफ बी इज 55, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर हम वहाँ पर एंड एल काम नहीं लेते मैनिपुलेटर, तो ये जो वैल्यू ऑफ 55 है जो नीचे वाली लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है ये यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी, यहीं पर हो जाता, इसलिए हम एंड एल काम में लेते हैं मैनिपुलेटर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सी इन और सी आउट अच्छे समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कोई आपके सुझाव है तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।